हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोहा सव के बारे में। ये उत्पाद है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का, और इसके प्राइस की बात करें तो 450 ml की ये बोतल आती है 85 रुपये में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं लोहा सव किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, इसकी सेवन विधि क्या है, और साथ ये भी जानेंगे कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दवा को शोधित लोहे से तैयार किया जाता है। लोहे के बुरादे के साथ में इसमें कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट और मिलाए जाते हैं, जैसे कि चित्रक, सौंठ, काली मिर्ची, पीपली, हरिद्की, शहद, साथ ही इसमें गुड़ और विभिद की आंवला जैसे घटक भी होते हैं। तो दोस्तों, ये औषधि सबसे प्रमुख रूप से इस्तेमाल में ली जाती है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। इसके सेवन से एनीमिया यानी कि खून की कमी दूर होती है और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। ये दवा इम्यूनिटी को मजबूत करती है और ताकत को भी बढ़ाती है। साथ ही ये दवा लिवर और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी इफ़ेक्टिव है, जैसे कि इंडाइजेशन और कब्ज को दूर करती है। बवासीर में भी ये दवा फायदेमंद है। ये दवा पाचन तंत्र को ठीक करके भूख को बढ़ाने में भी सहायक है। दोस्तों, इस दवा के घटक गर्म है, इसलिए ये दवा श्वसन संबंधी और कफ संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है। ये सर्दी खांसी और बुखार में भी लाभकारी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं लोहा सव की सेवन विधि के बारे में। इसे आपको 15 से 20 ml सुबह नाश्ते के बाद और 15 से 20 ml रात को खाने के बाद में लेना है। जितनी मात्रा में आप दवा को लेते हैं, उतनी मात्रा में आप पानी को भी मिलाएं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इस दवा को नहीं लेना चाहिए। इस दवा के कुछ घटक गर्म है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप इस दवा का सेवन नहीं करें, क्योंकि इसमें गुड़ और शहद होती है। और दोस्तों, इस दवा का सेवन आप डॉक्टर द्वारा तय की गई मात्रा में ही करें, अधिक मात्रा में कभी भी नहीं करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं लोहा सव से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके सेवन से आपको मतली, गैस और इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है। पेट में जलन और कुछ मामलों में स्किन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम मामलों में ही देखे जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और दोस्तों, लोहा सव को लेते समय आप शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।